अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर ट्रेनर अली खान। और आज की क्लास हमारी होगी एसईओ पे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरा स्क्रीन भी नजर आए। ठीक हो गया। तो आज की क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी और प्रैक्टिकल भी काफी हद तक मैं आपको सिखा दूंगा। कि कंटेंट पे हमने बात नहीं की, हमने अभी तक बात की है कि वेबसाइट की एसईओ कैसे करते हैं, लेकिन अभी तक हमने कंटेंट की बात नहीं की। कंटेंट होता किस तरह का है और किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह की बात करते हैं। आप कंटेंट पे हम पढ़ते हैं कि कंटेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या खराबियां हैं जिससे हमें बचना है, किस तरह हम कंटेंट लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। और बताऊंगा कि मैं टेक्निक बताऊंगा कंटेंट की, और मैं यही बताऊंगा कि कंटेंट कुछ चीज़ों से आप कुछ हरकतें आपने नहीं करनी, जो मैं बताऊंगा कि पहले ऐसे हो जाता था काम लेकिन अब नहीं होता होगा। तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह कंटेंट के बारे में हम सब थ्रू आउट पढ़ेंगे अभी इस सेक्शन में। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखें, पहले हम सीखेंगे इस पूरी वीडियो में, ये एक ही वीडियो होगी कंटेंट पे, मेरे ख्याल अगली वीडियो शायद हम कंटेंट पे ना रखें। एक वीडियो में हम सीखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट इन एसईओ, एसईओ में इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट क्या है, हम ये पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि हम आइडियाज कैसे जनरेट कर सकें। अगर हमें समझ नहीं आ रहा कंटेंट के लिखें कैसे कंटेंट पे, तो वो सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, ये सवाल उठता है। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है कंटेंट लिखते हुए, ये हम पढ़ेंगे। और फिर हम एक और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश कंटेंट। हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि फ्रेश कंटेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि कंटेंट लिखना किस तरह है, कंटेंट करना किस तरह है, क्या चीजें होती हैं कंटेंट में, क्या चीजें अवॉइड करनी है, हमें सब कुछ ए टू जी पता होगा कंटेंट के बारे में। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू अब हम शुरू करते हैं। पहले हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेंट और ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है। देखें, सबसे पहले ये समझ लें आप लोग कि आप जैसे गूगल पे लिखते हैं, आप लिखते हैं बेस्ट हेडफोन, वायरलेस हेडफोन या बेस्ट हेडफोन देते हैं लेट्स से। तो गूगल देखिएगा, इतने सारे रिजल्ट्स में से आपको टॉप पे उसने टेक रेडार का दिखा दिया उसने। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ही पेज था जो इतना अच्छा था जो ऊपर आना चाहिए, क्या और पेजेस नहीं थे जो नहीं आए। देखिए, सीधी सी बात है, गूगल बहुत सारी चीजें होती हैं गूगल की, उस चीजों को हमें जहन में रखना होता है कंटेंट लिखते हुए। इन लोगों ने वो सारी चीजें जहन में रखी जिसकी वजह से उनका कंटेंट ऊपर आ रहा है, टैग रेडार का अभी तक हेडफोन ऊपर आ रहा है इस वजह से। तो अगर आप भी ये चीजें रखेंगे जहन में, जो भी जो मैं गाइडलाइंस आपको दूंगा, ठीक है, अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो करके आप एक आर्टिकल लिखते हैं या ब्लॉग लिखते हैं, तो आपको आपका भी आर्टिकल ऊपर आने में कोई आपको मसला नहीं होने वाला। हाँ, टाइम लगेगा लेकिन ऊपर जरूर आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये बात कर रहे थे। अच्छा, अब ये गूगल जो है इसने ये पेज निकाला है, बेस्ट हेडफोन्स 2020 टॉप कैंस फ्रॉम सोनी बॉस। ये जो है गूगल की नजर में ये बेस्ट पेज था जो गूगल पे पड़ा हुआ है और इसलिए सबसे ऊपर आया, और कोई वजह नहीं है इसकी ऊपर आने की। गूगल को लगता है कि यार ये जो पेज है ना ये सबसे बेस्ट है, इस पे सारी देखें। अब गौर से देखते जाएं इस पेज को, जरा एक मिनट कंटेंट को देखिएगा। यहाँ से ये पेज शुरू हो रहा है, ये पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। और अच्छा, ईमेल भी मांग रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, मैं बताऊंगा सारी चीजें आप लोगों को आज कंटेंट का। हम कंटेंट वो डिटेल में पढ़ेंगे, तो कंटेंट लिखना किस तरह है वो बताऊंगा। अच्छा, ये जरा कंटेंट देखिएगा एक मिनट, ये देखें चले ही जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आए, रिकमेंडेड वीडियोज भी आ रही हैं आपको, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर देखें कितना जबरदस्त कंटेंट लिखा है। गौर से देखें कितना बड़ा बड़ा सबके, और ये चले ही जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। 11, 15, 14, 16, 17, 17 तक पहुंच गए, 18, इतने सारे इन्होंने हेडफोन्स को एक साथ जगह पे लिख दिया। अब क्या इसकी वजह ये थी कि ये इनको इन्फॉर्मेशन देनी थी? नहीं, इनको ओपन आना था, ये चाहते थे कि इनके जो अफिलियट का ब्लॉग होगा, मेरा ख्याल है ये, और ये अफिलियट लिंक्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऊपर आ रहा है इस वजह से। ठीक है, और ये देख, अब जरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक मिनट के लिए। हम यहाँ चले जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं,
counter.net है मेरे ख्याल से। एक मिनट चेक कर लेते हैं, अब चला इस वेबसाइट पर देखते हैं हम। ठीक है, यही वेबसाइट है। मोर टूल्स पे जाते हैं, बैक पेज वर्ड काउंट पे क्लिक मारते हैं। अब हम यहाँ पे यूआरएल इसका पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं इसमें कितने वर्ड्स थे। ये देखिए जरा वर्ड्स है क्या लिखा हुआ है, 8099 वर्ड्स थे इस पूरे आर्टिकल के अंदर। पूरे तो इतने सारे कंटेंट लिखा गया, इतना डिटेल कंटेंट लिख किया गया, जिसकी वजह से गूगल ने इसको टॉप रैंक कर दिया। ये कोई भी कर सकता है, अगर कंटेंट राइटर आपके सामने हो तो आप बड़े आराम से ये चीज कर सकते हो। अगर कंटेंट राइटर, मेरे पास भी कंटेंट राइटर होते हैं, ऐसी बात है, हम जहाँ काम करते हैं तो हमारे पास भी कंटेंट राइटर होते हैं, तो ये काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। एक डिटेल आर्टिकल आप, अच्छा अब ये तो समझ में आ गया कि भाई कंटेंट अगर अच्छा लिखा होगा तो गूगल उसको रैंक करेगा, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि किस तरह का आर्टिकल लिखना है, कहाँ कीवर्ड डालना है। कीवर्ड कहाँ डालना है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कीवर्ड कितने डालेंगे और कहाँ कहाँ डालेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, इसे हम कंटेंट को देखते हैं, कंटेंट जनराइज किस तरह का, जनरेट किस तरह करेंगे। अब सवाल यहाँ पे एक आता होगा आप लोगों के दिल में कि सर जी कंटेंट कितना लंबा होना चाहिए, ये आपके दिल में सवाल आता होगा, इसको हम एंड में आंसर करेंगे। बिल्कुल ठीक, अभी फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कि कंटेंट, गूगल जब आप सर्च करते हैं कोई चीज पे तो गूगल आपको बेस्ट पेज दिखाता है, और ये जो टेक रेडार का पेज आ रहा है ये गूगल के नजदीक ये बेस्ट पेज है। हो सकता है अच्छे पेज भी हो लेकिन ये गूगल के नजदीक बेस्ट पेज है। अब ये कैसे ऊपर आ रहा है, इसकी दो तीन वजह भी हो सकती हैं। एक होता है जो मैं आगे आपको पढ़ाना है कि ऐसी इसी लेक्चर में बता दूंगा मेरा ख्याल है, उसको कहते हैं टॉपिकल रेलेवेंसी, वो भी शायद पढ़ा दूंगा आपको अभी अभी इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, आपको टॉपिकल रेलेवेंसी भी कवर करा दूंगा मैं। चलिए मैं आगे देखते हैं, अगर टाइम बचा तो हम इन चीजों को भी कवर कर लेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब हम कहते हैं कि आप अगर अगर आपके कंटेंट के अंदर स्पेलिंग एरर्स नहीं है, ठीक है, और आपने एक करेक्ट ग्रामर यूज की है और आपकी करेक्ट फॉर्मेटिंग है, तो आप मोर लाइकली हो जाएंगे रैंक करने के। लेकिन अगर आपके पेज पे स्पेलिंग एरर्स हैं, ग्रामर खराब है और फॉर्मेटिंग बेकार है, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते गूगल के ऊपर। ये एक सच है जो कि मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हम जो हैं वो अब हम बनने वाले हैं SEO एक्सपर्ट, तो हमें ये समझना चाहिए कि करेक्ट ग्रामर, करेक्ट फॉर्मेटिंग और नो स्पेलिंग एरर्स हमें चाहिए होती है कंटेंट के अंदर। अगर ये चीज़ है तो हमारा कंटेंट रैंक करेगा, वरना हमारा कंटेंट रैंक नहीं करेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, तब समझ में आ गया। अब हम करते हैं कि ग्रामर कैसा फिक्स की जाए। सर जी हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, हम तो मैट्रिक या चले हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रामर तो समझ नहीं आती हमें, ग्रामर तो मुझे भी नहीं आती, हकीकत बात कर। तो ग्रामर का क्या हल है, उसका बेस्ट हल ये है, सबको पता होगा, ग्रामरली। ये बेसिकली AI टूल है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इसको .com पे चले जाएं यूं करके, और इसका गेट ग्रामरली ये एक्सटेंशन होगी मेरा ख्याल है, एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लें अपने पास, ठीक है। ये सबको आता होगा, ये मैं करके नहीं बता रहा वैसे, यहाँ पे साइन अप कर दीजिएगा, अगर पता नहीं होता है तो मैं करके दिखा देता हूँ जो है, अगर ऐसे ही हो जाता है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं मांगता मुझसे या कोई पैसे नहीं मांगता, तो हम अभी कर देते हैं इसको। ये आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लें और इसको चलाएं ग्रामरली को। ग्रामरली करेगा क्या, ग्रामरली आपकी जो स्पेलिंग एरर्स हैं और आपकी जो ग्रामर है ये ठीक कर देगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है सर जी, करेक्ट फॉर्मेटिंग तो आपने बताई ही नहीं, करेक्ट फॉर्मेटिंग किस तरह यूज होगी, वो किस तरह है, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन वो भी एंड में, हम एंड में बहुत सारी चीजें रख रहे हैं कि ये सारे ग्रामरली के आ रहे हैं। यहाँ पे आप न्यू पे दबाएंगे, आपने साइन अप देख लिया किस तरह करना है, न्यू पे दबाएंगे। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको जो इसके मजे हैं, स्किप द टूर कर दूंगा। एक तो ये हो गया, अदनान इज अ गुड बॉय, मुझे नहीं पता ये सही करेगा या नहीं। गुड बॉय वॉज अदनान, या चलो वॉजेंट, या वॉज वॉजेंट, चलो ये लगा देते हैं, ये लिखते हैं।
देखते हैं सही करता है या नहीं। वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए सही करना। ये देखें, पहले तो उसने ये बता दिया कि स्पेलिंग एरर है आपकी, ठीक है इसको ठीक करते हैं। अब ये कह रहा है नो इशू फाउंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉज वॉरेंट, अब ये देखें अब कह रहा है रिमूव रिडेंसी, इसको कह रहा है रिमूव करो, वॉज को वॉरेंट कर दो अदनान, गुड बॉय वॉरेंट अदनान। तकरीबन काफी हद तक इसने क्लियर कर दिया। तो ग्रामरली एक टूल है जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा अब ये कह रहा है कि एडिशनल राइटिंग इशू, एक और राइटिंग इशू आ गया। वो कह रहा है प्रीमियम यूजर्स को बताऊंगा आपको नहीं बताऊंगा। सही है, सीधी सी बात कह रहा है। कह रहा है भाई प्रीमियम आप बाय करोगे, और दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सैम रश और आपको ग्रामरली चाहिए होगा अगर आपने एसईओ करनी है ना। और सैम रश और ग्रामरली आपको 1000 रुपये में, 1000 पाकिस्तानी रुपीज में आपको मिल जाता है। तो आपको उतने टेंशन की जरूरत नहीं है, इतना महंगा भी नहीं है ग्रामरली और इतना महंगा भी नहीं है सैम रश जो आपको इतना महंगा पड़ेगा। तो ये 1000 रुपये में मिल जाते हैं। तो ग्रामरली का प्रीमियम वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर जी, करेक्ट फॉर्मेटिंग का तो बताया ही नहीं, वो सवाल उठता है, उसको हम एंड में लेके चलेंगे क्योंकि उसमें मुझे चीज दिखा के समझानी है तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कंटेंट जनरेशन की, कंटेंट जनरेट किस तरह किया जाए। देखें सबसे पहले कंटेंट का आइडिया निकलेगा, कंटेंट एक टॉपिक पे होगा ना, जाहिर सी बात है। ऐसे तो नहीं मैं कंटेंट किसी भी चीज पे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे ही जाऊँ गूगल पे और मैं कंटेंट हेडफोन, वायरलेस हेडफोन पे लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या पता कि कौन सी हेडिंग लगाऊँ, कौन सा टाइटल लगाऊँ उसका, मुझे तो नहीं पता है सारी चीजें। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई वायरलेस हेडफोन का टॉपिक कवर करना है लेकिन कौन सा टॉपिक होगा, ये सवाल उठता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करते हैं बस सुमो। बस सुमो बता देता हूँ, ये बहुत से जो कंटेंट राइटर हैं उन्हें पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, ये ऐप है बस सुमो, ठीक है। इसको जरा खोल लीजिएगा। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ट्राई इट आउट, एंटर अ कीवर्ड और डोमेन, और लिखा हुआ है फाइंड कंटेंट। ये आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे जैसे वायरलेस हेडफोन है, ठीक है ये रख देते हैं वायरलेस हेडफोन, ये एक हमारा कीवर्ड है। इस पे हमने, लेट्स से हमने इस पे आर्टिकल लिखना है और हमें कंटेंट का टाइटल नहीं पता कि हमें किस टाइटल पे लिखना है। तो हमने क्या लिखा, बस सुमो पे आए और फाइंड कंटेंट पे क्लिक मार दिया। ये देखें अब देखते हैं बस सुमो करता क्या है। बहुत से लोगों को इसका पता होगा, वैसे ही बता दूं मैं आप लोगों को, ये मत समझिएगा कि मैंने वो नई चीज बताई है। ये देखें वायरलेस नॉइज कैंसलिंग हेडफोन, हाउ वायरलेस हेडफोन कुड लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपको ये आइडिया दे रहा है बेसिकली, थोड़ा सा और नीचे आप बोल्ड ई वर्ल्ड हेडफोन हाइपर बेस, ये दे रहा है आपको आइडिया, ठीक है। लिमिटेड एडिशन प्राइड, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि लिमिटेड एडिशन आपका जो अपना हेडफोन है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडिया हो गया, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, ब्लूटूथ ऑन एयर हेडफोन्स, ये आप कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे कर सकते हैं। और इस तरह आप कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कंटेंट के आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है कि ये कह रहा है कि भाई सारे आइडिया नहीं दिखाएगा आपको, अगर गौर से देखें ये थोड़े से पे रुक जाएगा, थोड़े से दिखाएगा फिर ये कहेगा रुक जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, गौर से देखें क्या पढ़ने लगा इसको। इसने लिखा है रिजल्ट, इतने बता रहा है कि इतने रिजल्ट आए हैं लेकिन ये हमें तो ये बता रहा है सिर्फ इतने से। तो इसका हल क्या है, इसका एक हल है कि आप फ्री ट्रायल यूज कर लें इसका और मुख्तलिफ ईमेल से इसको करें, धोखेबाजी करें, मुख्तलिफ ईमेल से आप इसकी ट्रायल वर्जन करें। और वैसे भी एक बार आपने ले लिया फ्री ट्रायल 14 दिन का या 7 दिन का, तो 7 दिन में आपको कंटेंट इतना मिल जाएगा कि आप पूरे महीने या पूरे साल भी लिखते रहें, इतना कंटेंट आप निकाल सकते हैं एक झटके में। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। अब ये सवाल ये उठता है, हमने वायरलेस हेडफोन पे लिखना है, हम तो लिख देंगे बाय बेस्ट हेड बाय बेस्ट वायरलेस हेडफोन, हम ये लिख देते हैं, ठीक है। और उस पर एक आर्टिकल लिख देते हैं, बात खत्म हो जाती है, हमारा हमारा टॉपिक भी हो गया। ये बेसिकली रॉन्ग अप्रोच है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक आर्टिकल लिख के गूगल में रैंक कर जाओगे, ऐसा नहीं है। अब ये क्या क्यों नहीं है ऐसा,
गूगल इतना बच्चा नहीं है, गूगल को पता है कि यार आर्टिकल सिर्फ उस बंदे का रैंक होना चाहिए जिस बंदे की एक्सपर्टीज हो उस पे। अब सवाल ये उठता है, सर जी एक्सपर्टीज हम गूगल कैसे दिखाएं, मैं तो एसईओ को जानता हूँ, जैसे मैं एसईओ को जानता हूँ, अब मैं गूगल को कैसे यकीन दिलाऊंगा कि भाई मैं एसईओ को जानता हूँ, ये क्या चीज है। इस पे हम बात करेंगे आखिर में, ठीक है, इसको भी हम आखिर में लिख देते हैं। अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हमने कंटेंट निकालना है किस तरह। कंटेंट आपको यहाँ से समझ में आ गया कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर जी ये तो हमें फ्री ट्रायल दे रहा था, फ्री ट्रायल खत्म हो गया, ठीक है, और हमारे ईमेल भी नहीं है, अब क्या किया जाए। यहाँ पे भी सवाल उठता है आप लोगों के दिल में, यहाँ पे एक तरकीब आप कर सकते हैं, अगर मान लें ये भी आपको मसला कर गया तो आप लिखें सैम रश, यहाँ जाए सैम रश पे, ये भी टूल है 1000 रुपये का मिल जाता है, मैंने अभी नहीं लिया है लेकिन मैं रिसेंटली कुछ लेने वाला हूँ, तो ये भी आप ले सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने वायरलेस हेडफोन लिखना है, आप यहाँ पे लिख देंगे वायरलेस हेडफोन्स, अब ये देखें ये सारे आइडिया आ रहे हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, वॉल्यूम क्या है इसको हम एंड में पढ़ेंगे, जो हमारा ये हमारा काम का नहीं है अभी, तो उसको जब हम ऑन पेज इश्यू कवर करेंगे, ग्लोबल वॉल्यूम इसको हम बाद में कवर करेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी इसको भी हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। यहाँ लिखा है कीवर्ड वेरिएशन और यहाँ लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारा काम आएगा। यहाँ पे कैसे काम आएगा, हम ये खोलते हैं क्वेश्चन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अगर हमें कंटेंट का आइडिया चाहिए, मैं दिखाता हूँ कंटेंट का आइडिया किस तरह लेना है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस में गए, ये देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा इसको, इसमें लिखा है हाउ टू कनेक्ट वायरलेस हेडफोन टू एक्सबॉक्स वन, ये एक आइडिया मिल गया हमें, हाउ टू कनेक्ट वायरलेस हेडफोन, ये दूसरा आइडिया मिल गया, हाउ टू पेयर बीट स्टूडियो वायरलेस हेडफोन, ये हमें तीसरा आइडिया मिल गया, हाउ टू पेयर बीट वायरलेस हेडफोन, चौथा आइडिया मिल गया हमें। ये बेसिकली हमें आइडियाज दे रहा है जिसपे हम कंटेंट लिख सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन से हम कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सैमरस इतना मुश्किल नहीं है, इतना वो नहीं है, और ये देखें कितने कीवर्ड दे रहा है, 1000, 11000, 1330, ये सारे कीवर्ड दे रहा है, और ये तकरीबन अच्छे खासे आपको ये दे देगा जब आप इसका फ्री ट्रायल बाय सॉरी उसका वो बाय करेंगे, अगर आप प्रीमियम वर्जन बाय करेंगे तो ये आपको अच्छा खासा आइडिया दे देगा। तो 1000 रुपये का इतना महंगा नहीं है, मैं अभी बाय करके आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, तो इतना कोई महंगा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अगर आप जाके बाय करेंगे सैमरस से तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप बाय करेंगे किसी रीसेलर से तो आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है, जैसे मैं 1000 रुपये का लेता हूँ, हो सकता है किसी को सस्ते में 700 में मिल जाएगा, मुझे इस ग्रामरली और ये सैमरस जो है 700 1000 रुपये का मिलता है, तो आप भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये चीज़ हो गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कंटेंट की हकीकत, कंटेंट किस तरह लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया। अभी लिखना की बात हमने नहीं की कि लिखें कैसे, अभी तक हम लिखने की बात नहीं की, अभी तक हमने देख लिया कि हमें स्पेलिंग एरर नहीं चाहिए, हमें ग्रामर करेक्ट चाहिए, हमें करेक्ट फॉर्मेटिंग चाहिए, फॉर्मेटिंग क्या है वो हम एंड में पढ़ेंगे आखिर में, ये हमें समझ में आ गया, ये चीज़ चाहिए, हमें कंटेंट का आइडिया किस तरह निकालना है वो समझ में आ गया हमें, हम सैमरस यूज़ करेंगे, हम बस सुमो यूज करेंगे, ये समझ में आ गया हमें। और तीसरा हम ये काम कर सकते हैं, एक बड़ा आसान काम कर सकते हैं हम, अगर मान लो इससे भी आइडिया नहीं मिल रहा, हम यहाँ जाएंगे बेस्ट, एक सेकेंड, बेस्ट गेमिंग ब्लॉग्स, ठीक है, हम ये लिखते हैं गूगल पे, ये पहला ही ब्लॉग आ रहा है, हम ये खोलते हैं, ये लिखा है कुटाकू, हम देखते हैं इसको, कुटाकू, हम यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें गेमिंग का आइडिया चाहिए, हम गेमिंग ब्लॉग पे गए, ठीक है, आप चाहें तो नीच चेंज कर सकते हैं, कोई ये मत बोलिएगा कि नीच चेंज कर सकते, समझ नहीं आया, क्योंकि नीच तो आपने गेमिंग की रखी थी, आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वो जो साइट खुलेगी आपको, ठीक है, जैसे इसका ही ब्लॉग आएगा आपके सामने, तो आप किसी भी ब्लॉग को खोलें, किसी भी टॉप 10 ब्लॉग को खोल लें आप, और इस पे एक ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब पे क्लिक मारेंगे वो आपसे ईमेल पूछेगा, ईमेल पूछने के बाद सब्सक्राइब हो जाएगा,
अब सब्सक्राइब होने के बाद होगा क्या, ये आपको ईमेल भेजेंगे जो भी नया कंटेंट भेजेंगे, जो भी डालेंगे साइट पे। अब होगा ये, जब ये कंटेंट नया डालेंगे अपनी साइट पे, आपको एक मेल चली जाएगी। आप वो मेल खोलेंगे, उसमें कंटेंट लिखा होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, ये इस आर्टिकल, इस टॉपिक पे इन्होंने आर्टिकल लिखा है, आप समझ जाएंगे बड़ा सही है। तो आप भी उससे मिलता जुलता कॉन्टेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है? यहाँ तक, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दें कुछ भी, ईमेल के बाद सब्सक्राइब पे क्लिक मार दीजिएगा और सब्सक्राइब हो जाएगा। अब आपने ये एक नहीं करना, अगर आपको, अगर आप एक ही नीश पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप गेमिंग पे काम कर रहे हैं, तो आप 10 के 10 क्या 20 20 उठा लें और उसको सब्सक्राइब कर लें 20 को, और अपनी ईमेल चेक करते रहिएगा कि कब ये लोग नया आर्टिकल डाल रहे हैं, ठीक है? इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, सबका मैंने क्लियर करके बता दिया। अब सवाल ये उठता है, कंटेंट जनरेशन हमने हर तरह से देख ली, अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट की, कि करेक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट है क्या। ये हमने कहा था एंड में पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ लेते हैं, एंड आ रहा है हमारे पास। तो करेक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट है क्या? देखें, करेक्ट टेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो सिर्फ ये है कि आपका जो है कंटेंट वो सही तरह डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब वो अगर मैं लिखता हूँ, शायद आए भी जाए, मैं देखता हूँ अगर वॉल ऑफ टेक्स्ट लिखता हूँ, ये देखें, हाँ ये आ गया ना, ये बेसिकली रॉन्ग फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट कहलाती है। ये दिख नहीं रहा आप, तो नहीं आप लोगों को दिख रहा है, मैं देखता हूँ, मैं जूम करके दिखा दूँ। अगर ये देखें, गौर से देखें, ये देखें, ये एक रॉन्ग फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट है। अगर आप इस तरह से बगैर कोई पिक्चर, बगैर कोई बुलेट पॉइंट यूज करके आप सिर्फ टेक्स्ट को पेल लेते हैं, एक ही साथ में सारे टेक्स्ट को इस तरह पेल दिया आपने, ये बेसिकली कहलाता है वॉल ऑफ टेक्स्ट। ऐसी फॉर्मेटिंग वाला ब्लॉग या कोई भी पेज कभी भी रैंक नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात। गूगल को बताएगी यार, जब बंदा इस साइट पे आएगा वो पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा, वो 1 मिनट में नई साइट खोलेगा आपसे, उसकी वजह से आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसा आप लोगों ने करना नहीं है, ठीक है? इसको कहते हैं वॉल ऑफ टेक्स्ट, ये आपने नहीं करना, एक जायंट वॉल ऑफ टेक्स्ट आपने नहीं पेल देनी, आपने करेक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट रखनी है। मतलब उसमें थोड़ा सा मजा आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा, इफ से लेके जो न्यू बेडफर्ड है यहाँ तक आपने टेक्स्ट लिखा, फिर आपने एक पिक्चर लगा दी, पिक्चर लगाने के बाद फिर आपने बुलेट पॉइंट्स यूज किए, मतलब इस तरह कुछ अगर आपको नजर आएगा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड, अगर इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट, ग्रामरली चल रहा है तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ, मतलब इस तरह का होना चाहिए कुछ। मतलब इस तरह का एक टेक्स्ट आना चाहिए आपके पास, ठीक है? फिर एक्टर मानने चाहिए, ठीक है? फिर कोई पिक्चर लगा दें, यहाँ पे कोई पिक्चर लगा दें, पिक्चर के बाद फिर कोई टेक्स्ट आ गया इतना बड़ा, ठीक है? फिर बुलेट पॉइंट्स यूज कर दिया आपने, बुलेट पॉइंट्स 1 2 3, इस तरह बुलेट पॉइंट यूज कर दिए, फिर टेक्स्ट आ गया, सॉरी 1 सेकेंड, फिर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट के बाद फिर पिक्चर, और पिक्चर के साइड में ही आपने टेक्स्ट रख दिया, सॉरी हाँ पिक्चर के साइड में ही आपने टेक्स्ट कर दिया। ये एक बेसिकली करेक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट है। इसमें क्या है कि आप वॉल ऑफ टेक्स्ट को, अगर मैं समझा सही पाया हूँ, वैसे समझ रहे हैं, अगर नहीं समझा तो मैं फिर से समझा दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बताया आप लोगों को, वो आप फॉलो करिएगा, ठीक है? अगर वॉल ऑफ टेक्स्ट नहीं समझ में आया, वॉल ऑफ टेक्स्ट तो समझ में आ गया होगा, अगर फॉर्मेटिंग नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, जब बंदा गूगल पे आता है और आपकी साइट वो मेंशन करता है गूगल पे, ठीक है, मतलब आपकी साइट मेंशन करता है, आप कोई भी ब्लॉग, लेट से एक बंदा पढ़ने आया है वायरलेस हेडफोन के बारे में, और वो देखता है कि यार वायरलेस हेडफोन जो है वो जो है वो तो उस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उस पर वॉल ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे ही बंदा उस वॉल ऑफ टेक्स्ट पे आएगा वो फौरन से ही स्किप कर देगा,
काट देगा उस वेबसाइट को। इससे होगा क्या कि बाउंस रेट बढ़ेगा, बाउंस रेट बढ़ेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को नीचे फेंक देगा, ये आप समझ लें। तो इसके लिए हमें वॉल ऑफ टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम ये समझ गए कि हमें वॉल ऑफ टेक्स्ट तो नहीं चाहिए और हमें करेक्ट फॉर्मेटिंग चाहिए। अब हमने बहुत कुछ सीख लिया आज, हमने क्लास में क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि हमने स्पेलिंग एरर नहीं करनी, हमें करेक्ट ग्रामर यूज करनी, हमें करेक्ट फॉर्मेटिंग भी सीख लिया हमने, हमने देख लिया करेंट कॉन्टेंट जनरेशन आइडिया कैसे बनते हैं, वो भी हमने सीख लिया। और फिर हमने लास्ट में सीखना है, अब जो लास्ट का इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश कॉन्टेंट, वो हमने पढ़ना है आज। फ्रेश कॉन्टेंट कुछ भी नहीं होता, फ्रेश कॉन्टेंट ये होता है जैसे आपकी वेबसाइट पे 30 पेजेस हैं, अब 30 साल हो गए, 30 साल हो गए और आपके वही 30 पेज बने रहे, तो क्या गूगल उस चीज को रैंक करेगा? कभी नहीं करेगा। जब गूगल देखेगा यार बंदे ने तो वेबसाइट छोड़ी हुई है, ये बंदा तो वेबसाइट को अपडेट ही नहीं कर रहा, तो वो आपकी साइट क्यों अपडेट, क्यों रैंक करेगा, वो पागल तो नहीं है गूगल। तो ये बेसिकली एक रीजन है जिसकी वजह से आपको समझना चाहिए कि आप रैंक नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपने गलत काम किया हुआ है, जैसे आपने वेबसाइट को अपडेट नहीं किया हुआ है। अब फ्रेश कंटेंट्स की इम्पोर्टेंस ये है कि जब वेबसाइट पर फ्रेश कंटेंट आता है तो गूगल उस चीज को वैल्यू करता है, गूगल समझता है कि यार बंदे ने वेबसाइट को अप टू डेट रखा है तो उसकी वेबसाइट में कोई ना कोई बात जरूर होगी, इस वजह से इस बंदे की वेबसाइट को रैंक करो, ये बात हो जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर जी आपने एक सवाल किया था, आपने एक क्वेश्चन किया था एक्सपर्टीज का, कि एक्सपर्टीज कैसे बताएंगे हम, ये तो हम समझ गए कि हमें फ्रेश कंटेंट डालना चाहिए, लेकिन हम ये समझे नहीं कि एक्सपर्टीज हमने कैसे दिखानी है गूगल को। देखिए एक्सपर्टीज आपने इस तरह दिखानी है, चले अभी छोड़ें एक्सपर्टीज को, अभी एक्सपर्टीज को हम देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश कंटेंट की बात कर ली हमने, फ्रेश कंटेंट आपको समझ में आ गया जरूरी है। अब इसका तरीका क्या होता है फ्रेश कंटेंट का, आपकी आपकी साइट पे ब्लॉग का सेक्शन होगा, उस पर कोई ना कोई एक ब्लॉग डाल दें। आप सवाल ये उठता है सर जी कितने ब्लॉग डालें, क्या डालते हैं हर हफ्ते डाल दें? देखिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपको हर 15 दिन में एक ब्लॉग तो डालना ही चाहिए, ठीक है, हर 15 दिन में। लेकिन जो मेरे ट्रेनर थे वो मुझे ये कहते थे कि अदनान हर महीने में एक ब्लॉग आपका होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी बहुत लेट है, आप हर 15 दिन में या हर 7 दिन में एक ब्लॉग आप पब्लिश करो, ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेश कंटेंट आपकी साइट पे आ जाएगा, ठीक है। और फ्रेश कंटेंट इसको भी कहते हैं कि आपने ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है, उस पर आपने कोई पिक्चर ऐड कर दी, कोई वीडियो ऐड कर दी, इसको भी फ्रेश कॉन्टेंट कहेंगे। अगर आप ये भी कर देते हैं तो फिर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप एक ब्लॉग सेक्शन बनाएं, और ब्लॉग सेक्शन बनाने के बाद आप उसको क्या नाम है गूगल पे इंडेक्स कराएं, फिर वो अपडेटेड कंटेंट कहलाएगा और आपकी साइट जल्दी रैंक होगी। आप यहाँ तक समझ में आ गया? अब सवाल ये उठता है सर जी हम कंटेंट लिख तो लें लेकिन कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए, ये एक सवाल उठता है और ये बड़ा ही अच्छा सवाल है कि कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब मैं क्या लिखता ही चला जाऊं, ठीक है, इतना बड़ा कंटेंट लिख दूं कि कंटेंट लिखने वाला भी पागल हो जाए, सब सब पागल हो जाए, इतना बड़ा कंटेंट लिख दूं मैं, कितना बड़ा कंटेंट होना चाहिए, ये सवाल उठता है। अब इसके पीछे हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमें वायरलेस हेड बेस्ट वायरलेस हेडफोन पे हमने रैंक करना है, ठीक है, बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स पे हमने रैंक करना है। हमने एक कीवर्ड लिखा, हमारे सामने टेक रेजर साहब का एक ब्लॉग आ गया, हमने ये खोला, दूसरे नंबर पे एक ब्लॉग आ गया इसको खोला, और तीसरे नंबर पे वाइल्ड का आ गया, हमने ये भी खोल लिया। अब हमने करना क्या है, हमने जाना है, एक सेकेंड, हमने एक साइट खोलनी है जो अभी मैंने खोली थी, वर्ड काउंटर डॉट नेट। अब हमने करना क्या है, इसको मोर पे जाना है, मोर टूल्स पे जाना है, और हमने ये जो वेब पेज वर्ड काउंट होगा इस पे क्लिक मारना है। अब हमने इसको इस साइट को हमने इधर डालना है और हमने इसको रन कर देना है। अच्छा ये आ गया 6601, ये हमारे पास आ गया 6601, हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने प्लस का निशान बनाया, टेक रेडर हमारा हो गया, ठीक है, हमने इसको काट दिया। अब यहाँ पे आते हैं इस साइट पे, इस साइट को भी वर्ड काउंट में डालते हैं। अब करना क्या है मैं बताता हूँ,
हमने यहाँ पे गए, कितना है 4197, हमने लिखा 4197, फिर हमने प्लस का निशान दबाया और हमने इसको भी काट दिया क्योंकि इससे का काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे इस साइड पे, हमने इस साइड पे भी, सॉरी इस साइड पे भी गए और हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब सवाल ये उठता है सर जी हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप देखिएगा क्या होता है। 3007, 3007, ठीक है, ये बेसिकली आपका वो टोटल बन गया। अब आप क्या करेंगे, जो टॉप 3 वेबसाइट है उसका आप वर्ड काउंट निकालेंगे, सबसे पहले टॉप 3 पे जा रही है और उनको प्लस कर देंगे। अभी करते हैं प्लस, तो ये बनता है 13,805। अब सवाल ये उठता है सर जी इतना बड़ा कंटेंट होगा, ये तो कोई भी नहीं लिख पाएगा। लेकिन इतना बड़ा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका एवरेज ले लेंगे, मतलब 3 साइड थी तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे इसको, इस फिगर को लिखें डिवाइड बाय 3, इजी दबाए तो बना 4106। इसका मतलब है आपको इतना आर्टिकल चाहिए होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी फिल्म है, आप इस जो आपके पास आएगा ना इसका भी 10% निकाल लें, 4601 का 10% निकाल लें 1 मिनट के लिए, 10 डिवाइड बाय 100, और इसको प्लस कर दें उसी फिगर के साथ, 4160 था मेरे ख्याल है, उसके साथ प्लस कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4620। इतने का आपका आर्टिकल होना चाहिए। आई होप जो मैंने कराया वो समझ में आया हो। पहले आप क्या करेंगे, स्टेप वन, टॉप 3 वेबसाइट ले लेंगे, ठीक है, टॉप 3 वेबसाइट जो होंगी वो आपकी कहाँ रैंक, वो टॉप 3 वेबसाइट जब आप देख लेंगे उसका आप वर्ड काउंट निकालेंगे टॉप 3 वेबसाइट, स्टेप वन तो ये हो गया। फिर आते हैं हम स्टेप टू पे, स्टेप टू ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, सॉरी आपकी जो आपने निकाल लिया है कि वो वर्ड वर्ड काउंट आपने निकाल लिया 3 होगा, फिर आप उनको प्लस कर दें, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 3 कर दें, डिवाइड बाय 3 करने के बाद इंटू 10%, 10 डिवाइड बाय 100 कर दें, और उसके बाद जो फिगर आएगी उसको उस फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो कि आपका एवरेज निकला था 3 वेबसाइट का। समझ गए होंगे मेरे ख्याल है, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ से समझ में आ गए। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम, आगे हम ये पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्टेंट हमें कितना बड़ा हो गया ये भी समझ लिया हमने। अब सवाल ये उठता है सर जी कॉन्टेंट लिखा कैसा जाए, कैसे लिखें, हमें तो नहीं समझ में आता। देखें उसके दो तरीके हैं, एक है हायर आप फ्रीलांसर, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं और यहाँ पे एक फ्रीलांसर को खरीद लें, ठीक है, उसको काम पे रख लें, ये काम कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका है खुद कंटेंट लिखें। अब सवाल ये उठता है सर जी खुद कैसे लिखें, ये भी एक सवाल उठता है। देखें आप एसईओ की फील्ड में जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी जिंदगी एसईओ में गुजार दें लेकिन आपको कंटेंट लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ वैसे मैंने ऐसा ही किया है कि मैं अभी तक लिखने की जरूरत नहीं पड़े मुझे कंटेंट, तो मैंने क्लाइंट से भी लिखवाया है कंटेंट लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वैसे आप लोगों को जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनकी लाइफ में कभी भी उन्हें कॉन्टेंट लिखने की जरूरत ना हो, उन्हें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाती है कॉन्टेंट लिखने की, और वो जो लिखते हैं वो बड़ा ही अच्छा लिखते हैं। और लिखने की टेक्निक क्या है बता दूं मैं आप लोगों को, खुद लिखने की टेक्निक क्या है, उसकी टेक्निक ये होती है री राइटिंग। अब री राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इधर चले जाएं, पता नहीं कौन सी नहीं मुझे साइड भी याद नहीं, एक सेकेंड, री राइटिंग टूल्स, इसमें एक सेकेंड, री राइटर पता नहीं कौन सा टूल था वो मुझे याद नहीं आ रहा, स्पिन बॉट, हाँ ठीक है, लोग क्या करते हैं स्पिन बॉट पे चले जाते हैं, और स्पिन बॉट पे जैसे ये आर्टिकल है वायरलेस हेडफोन्स, लेट से कोई एक आर्टिकल उठा लेते हैं, ये आर्टिकल आ गया, ठीक है इसको हम उठा लेते हैं 1 मिनट के लिए, एक सेकेंड रुकिएगा, ये हम आर्टिकल उठा लेते हैं। अब लोग करते क्या है, ये तो कुछ और ही खुल गया है, ये तो शॉपिंग की ऐड है, ये हमें आर्टिकल नहीं मिलेगा, एक सेकेंड, अभी हम करते हैं ब्लॉग,
ये भी नहीं है डिस्काउंटर स्कोर, ये भी नहीं है यार वायरलेस 8 ट्रैश, इसको जरा हम देख लेते हैं। ये एक निकल गया कंटेंट। अब लोग क्या करते हैं, इस कंटेंट को स्पिन कर देते हैं। स्पिन कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हिस्सा है आई लव, ये वाला हिस्सा है, लोग इसको कॉपी मारते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक सेकंड रुकेगा या चल जाए भाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्पिन कर दिया और बेसिक स्पिन पे क्लिक मारे, और उसके बाद ये टूल जो चेंज कर देगा। अब देखें क्या लिखा हुआ है, आई लव माई वायरलेस एयरबड्स, इसमें क्या लिखा, आई लव माई रिमोट हेडफोन्स, ठीक है, तो ये चेंज कर दिया उसने। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है जो स्पिन बॉट कहलाता है। ये आपने हरकत नहीं करनी, ठीक है, ये बहुत ही ब्लैक हेड मानी जाएगी इस टेक्निक को। और ये अगर आप लिखते भी हैं इस तरह कंटेंट तो वो किसी वैल्यू का नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखता, तो आपने ये हरकत नहीं करनी, ठीक है। पहले तो बता दिया आपको जो लोग करते हैं। अब इसकी जो अच्छी अप्रोच है, अगर आपने लिखा, अगर आप राइटर नहीं है आपको तो नहीं समझ में आ रही होगी, आप ये पढ़ें इस चीज को और आप अपनी जबान पे इसको रीराइट करें। वर्ड ऑफ वर्ड रीराइट नहीं करना, याद रखिएगा मेरी बात, वर्ड ऑफ वर्ड रीराइट नहीं करना कि अगर लिखा आई लव माई हेड वायरलेस हेडफोन तो आपने ये लिख दिया आई लव आई लाइक माई वायरलेस हेडफोन, ये नहीं करना आपने। देखिए आई लव माई हेड वाई आई लव माई हेडफोन्स सो मच, आप ये करेंगे, समझ रहे, बात वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आप बिल्कुल ही उस चीज को चेंज कर देंगे। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है। अब ये आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा करना किस तरह है, ठीक है। इस तरह भी आप कंटेंट लिख सकते हैं। यहां तक बात हो गई। अब लास्ट बट नॉट ली, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा कंटेंट चाहिए तो एक तरीका है, लेकिन वो पुराना तरीका है। और अगर आप अब उस चीज से करते हैं, अगर आप अब भी उस चीज से करते हैं तो आपकी साइट हिट कर जाएगी, लेकिन वो तरीका बता दूंगा आपको। वो कहलाता है एआई जनरेटेड कंटेंट। एआई जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, जैसे वो एआई जनरेटेड टूल्स लिखा होता है, जैसे ये टूल है राइटर डॉट मी, ठीक है। इसमें आप करते क्या है, ये देखें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाएंगे, पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, फिर आप टोन सेलेक्ट करेंगे कौन सी टोन चाहिए, फिर आप यहाँ पे जाएंगे ब्लॉक सेक्शन राइटिंग ब्लॉक सेक्शन की जाएंगे, आप कीवर्ड लेट से वायरलेस हेडफोन चाहिए मुझे, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे सेक्शन कीवर्ड छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़िएगा, ऑप्शनल है, ठीक है, इसको जरूरत नहीं होती। और नंबर ऑफ वेरिएंट ये लिखा है 1 2 3, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई आपको कितनी वेरिएंट चाहिए, मतलब एक वेरिएंट का मतलब ये है कि एक, मैं दिखाता हूँ आपको, लेट से हम 3 वेरिएंट पर करते हैं, मैं 3 समझाता हूँ क्योंकि मुझे समझाना नहीं आएगा ये चीज, तो मैं दिखा देता हूँ फिर भी। ये राइट करेगा, ये देखें, ये पहला वेरिएंट है जो आप यूज कर सकते हैं, ये दूसरा वेरिएंट है, एक सेकंड रुकिएगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये दूसरा वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब इसके टाइप, क्या आप ये कंटेंट लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक कंटेंट लिख सकते हैं, सारा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आप 3 वेरिएंट आ गए आपके, ये बेसिकली एआई जनरेटेड कंटेंट कहलाता है। और अगर आप इसके थ्रू वेबसाइट को रैंक करते हैं तो फिर भी वेबसाइट आपकी हिट कर जाएगी, क्योंकि आप गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आ गई है और वो कंटेंट आपको रैंक करने ही नहीं देगा इस तरह का कंटेंट। तो अगर आपने लिखना ही पड़े तो आप ये टेक्निक यूज करेंगे कि आप कंटेंट को इसको पढ़ेंगे खुद और खुद उसको अपने वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। हर बंदा अपने वर्ड में लिखेगा तो एक नॉन प्लेजरिज्म कंटेंट, प्लेजराइज कंटेंट मिलेगा उसे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब एक सवाल हमारा रह गया कि हम गूगल को कैसे बताएंगे कि हमारी एक्सपर्टीज इस चीज में है, ये सवाल उठता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं, चलें नहीं बताता अभी, अभी की सरप्राइज रखता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे लगता है सबको समझ में आया हो, यहाँ तक मैं क्लास खत्म करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। खुश रहें, खुश रखें, और मुझे दीजिए इसके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।